दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों ऑक्शन के खत्म होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड की, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम की। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस का फाइनल स्क्वाड आपको बताएंगे, IPL 2020 के लिए कौन कौन से खिलाड़ी है इनके पास, साथ ही साथ हर एक खिलाड़ी की सैलरी बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी कितने रुपए चार्ज करने वाला है IPL 2020 के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, मुंबई इंडियंस के फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है, कहां तक जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2020 में, क्या एक और बार टाइटल जीत पाएगी, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास पहले से ही 18 खिलाड़ी थे, सिर्फ 7 खिलाड़ी इन्हें खरीदने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 6 खिलाड़ी जो है IPL 2020 के ऑक्शन में खरीदे हैं। इस समय इनका स्क्वाड जो है वो है 24 मेंबर का, जहां पर दोस्तों 8 जो है फॉरेनर प्लेयर हैं और 16 इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। चलिए इनके स्क्वाड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके कैप्टन की, तो रोहित शर्मा जो हैं वो हैं इस टीम के कप्तान, जो कि 4 बार अपनी कप्तानी में टाइटल जितवा चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम को। इनकी सैलरी है 15 करोड़ रुपए IPL 2020 के लिए। बैट्समैन की अगर बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव हैं, 3.2 करोड़ रुपीज इनकी प्राइस है। आदित्य तरे 20 लाख रुपए में रिटेन हुए थे, वहीं अनमोलप्रीत सिंह रिटेन हुए थे 80 लाख रुपए में। ऑक्शन में दोस्तों ये खरीद कर लाए हैं क्रिस लिन को, 2 करोड़ रुपए क्रिस लिन की जो है वो प्राइस है। साथ ही साथ इन्होंने सौरव तिवारी को भी खरीदा है 50 लाख रुपए में। विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात करें तो टीम के पास क्विंटन डिकॉक है 2.8 करोड़ रुपए की प्राइस में, और ईशान किशन है दोस्तों 6.2 करोड़ रुपीज की प्राइस में। तो ये हैं दोस्तों टीम के बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन। बात करें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स से भरी हुई है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर सबसे पहले हैं हार्दिक पंड्या, जिनकी प्राइस है 11 करोड़ रुपए। इनके बाद इनके भाई कुणाल पंड्या 8.8 करोड़ रुपीस इनकी प्राइस है IPL 2020 के लिए। इनके बाद दोस्तों कायरन पोलार्ड है, जिन्हें 5.4 करोड़ रुपए की सैलरी मिलने वाली है IPL 2020 के लिए। ट्रेड कर दोस्तों ये लेकर आए हैं सरफेन रदरफोर्ड को 2 करोड़ रुपए में। अनुकूल रॉय है दोस्तों 20 लाख रुपए में इन्हें रिटेन किया था, और IPL 2020 के ऑक्शन में भी 2 ऑलराउंडर्स इन्होंने खरीदे हैं। सबसे पहले हैं दिग्विजय, जिनको 20 लाख रुपए दिए हैं, और बलवंत सिंह को भी 20 लाख रुपए दिए हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने। अब बात करते हैं दोस्तों इनके स्पिनर की, तो सबसे पहले स्पिनर हैं जयंत यादव, 50 लाख रुपए की प्राइस में हुए हैं रिटेन, और दूसरे हैं दोस्तों इनके मेन स्पिनर राहुल चहर 1.5 करोड़ रुपए की प्राइस में। एंड में दोस्तों बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की, तो काफी कमाल के फास्ट बॉलर्स हैं मुंबई इंडियंस के पास, जिनमें सबसे पहला नाम है जसप्रीत बुमराह का, जो कि इनके मेन इंडियन फास्ट बॉलर हैं 7 करोड़ रुपए की प्राइस में। इनके बाद है दोस्तों लसित मलिंगा, 2 करोड़ रुपए की प्राइस है लसित मलिंगा की। मिचेल मैक्लेनिगन है 1 करोड़ की प्राइस में। दोस्तों ये ट्रेड कर लाए हैं ट्रेंट बोल्ट को 3.2 करोड़ रुपए की प्राइस, धवल कुलकर्णी को 75 लाख रुपए की प्राइस में इन्होंने ट्रेड कर लेकर आए हैं, और ऑक्शन में इन्होंने खरीदा है नेथन कुल्टर नायल को 8 करोड़ रुपए में। और इनके अलावा दोस्तों आखिरी जो फास्ट बॉलर है वो है मोहसिन खान, जो कि 20 लाख रुपए की प्राइस में आए हैं। ये है दोस्तों मुंबई इंडियंस के फास्ट बॉलर। वहीं पूरे स्क्वाड की हमने बात करी, किस तरह का स्क्वाड जो है मुंबई इंडियंस का है, कौन कौन से बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं और हैं फास्ट बॉलर। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों मुंबई इंडियंस का ये स्क्वाड, कहां तक जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2020 में, क्या एक और टाइटल अपने नाम कर पाएगी, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। ऐसे ही दोस्तों आप बाकी टीमों का स्क्वाड भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी जाकर जो है सभी टीमों का स्क्वाड देख सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।